हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह सुबह वर्कआउट खत्म हो गया है, ये देखो पसीने। अब तुम्हारा भाई थोड़ा फिट हो गया, इस देखो फिट होने लग गया तुम्हारा भाई। तो चलो भाई वेट चेक करते हैं आज। वेट मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा वेट है, तो उसको ना थोड़ा फिट करके फिर बताते हैं आपको कितना वेट है। वैसे अभी ना इधर मम्मी बुला रही, कह रही है थोड़ी सब्जी ले आ। मैं कि ठीक है ले आते हैं, तो चलो चलते हैं। वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया अपना, लाइट्स ऑफ कर दूँ है। चलो अभी ना जस्ट मैं गाड़ी से उतरा हूँ, और आप सोच रहे हो सुबह तो एकेडमी गया था स्कूटी लेके, अब नींद ड्राइवर लेके, अब गाड़ी से कैसे उतर गया। क्योंकि रास्ते में पापा ने स्कूटी ले ली मेरे से, और मेरे को दीदी गाड़ी कह रहे हैं जो तुझे काम करवाना है वो करवा लियो, और एक दो काम है वो और कर दियो। मैं कि ठीक है, अरे कि पेड़ लगाने के लिए लेके आए हैं पापा कोई जुगाड़, तो पेड़ लगाएंगे ना यहाँ पे, पेड़ लगाएंगे नीचे। सो गाइस चलो निकलते हैं फिलहाल अभी कहाँ, अपनी गाड़ी की जो टेल लाइट्स है ना उनको करवाने, और मैं सोच रहा हूँ अलॉय व्हील की लाइट भी करवा लूँ अगर मिलेंगी तो। अलॉय व्हील मुझे लाइट नहीं होती, इंडिकेटर वाली और वैसे वाइट कलर की जलती रहती है वो वाली लाइट्स करवानी है। ये किसकी आ गई भाई, स्विफ्ट। तो चलो निकले हैं, बाकी दिखाऊं एक चीज़, ये देखो कितना फ़र्क लग रहा है उस लाइट में और इस लाइट में। तो अभी फ़िलहाल मैं विनय की वेट कर रहा हूँ। मैं कह यार विनय तू ही साथ चल, उसी पे चलते हैं। तो चलो चले आ रहा है लौंडा भाई। फिलहाल ये दूसरी लाइट भी हो रही है, विनय पता नहीं कहाँ गया, मैं यहाँ पे गया था पास में कहीं, विनय भाग गया भाई। ये लाइट होगी वो भी होगी, देखो दोनों चमक रही हैं। अब उसका भी करवा देना जो जो उसमें कमी थी ना, ये देखो मस्त लग रही है। और ये विनय कह रहा है कि इसको उतार दे, मैं ठीक है यार ये तो गंदा ही लग रहा है इसको उतार दें। अभी उतार रहा है अपनी जीव अगर में एंजॉय कर रहा है। बाइक ले घूम रहा है, हेलमेट बिना बिना हेलमेट के नहीं घूमना चाहिए। ये भाई अपना एक फ्रेंड है राहुल, राहुल नाम है उसका भी, उसकी बाइक है ये 4006 नंबर है, देख लेना उनको पकड़ लेना कहीं पे है, और पकड़ लियो अगर 4006 नंबर की बाइक मिले ना पकड़ लियो बेशक। बाकी बाइक मस्त है ये, पर एक ही सीट है इसमें, दूसरी नहीं लगवा रखी ना, लग गया इसमें एक्स्ट्रा। हाँ एडजस्टमेंट हो गया इसके ऊपर। हाँ इसमें एडजस्ट हो गए, और एक और एक्स्ट्रा लग जाते हैं यहाँ पे साइलेंसर, इसमें दो एक साइलेंसर ही आ रहा है। हाँ एक ही आ रहा है, एक उड़े उड़े चार साइलेंसर, चार साइलेंसर है। हाँ इसकी आवाज मस्त है भाई, इसके निकलवा रखे हैं दो, और दो निकलवा देंगे और नहीं लाउड हो जाएगी, देखे रे यार निकलवा रखे हैं। दिख तो नहीं रहा भाई, कैमरा जज नहीं कर पा रहा इसको। लिया 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 अब आपको होगी भाई लाइट तो लगवा ली, पर ये कहाँ से लगवाई है भाई, मैंने रोहतक से ही जो इसके ऊपर रैप है ये सारा करवा दिया है, और भी कुछ काम होंगे अभी गाड़ी के अंदर वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये सारा काम करवाया मैंने जून कार एक्सेसरीज, अपना जो ये है ना जो अपना जाट भवन है मैं यहाँ पे इसके पास ही है, बिल्कुल जाट भवन के पास ये यहाँ पे जाट भवन है, जाट भवन से इधर आते ही इस चौक पे यहाँ पे ये भाई जून कार एक्सेसरीज, ये भैया का मोबाइल नंबर है ये आप नोट कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, लोकेशन भी डाल दूंगा। ये देखो भाई ये पूरा बोर्ड, और यहाँ से आपको लोकेशन दिख जाएगी सामने आते ही, और ये है शॉप भैया की, और आपको भैया से भी मिलवा देता हूँ जो ओनर है यहाँ पे वो रहे रवि भैया, उनसे मिलवाता हूँ एक बार। और ये जो काम हो रहा है ना अभी फ़िलहाल ये हो रहा है, वो जो अपनी जो DC वगैरह कार होती है ना जो ऑफिशियल पुलिस वालों की गाड़ी है उसके अंदर रूटर वगैरह लग रहा है भाई, इनका भी काम होता है सारा। अगर किसी भी अपने जो भी पुलिस वाले भाई हैं वो देख रहे हैं तो करवा सकते हो आके। अभी अपनी गाड़ी में लाइट्स लगी हैं पीछे, और बाकी और भी काम होगा। ये देखो भाई ये है भैया की शॉप, यहाँ पे सारी चाबियाँ वगैरह सब कुछ, चाबी अगर आपको पुरानी है किसी भाई की सेंटर वगैरह है चाबी नहीं करवानी है, और ये बेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है भाई यहाँ पे, परफ्यूम वगैरह ये देखो सारी चीज़। और ये तो भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है जब नई गाड़ी लेते हो आप, चाहे बेशक आप किसी की पुरानी ले रहे हो पर आपके लिए तो वो नहीं होती है ना, तो वो भी लगवा सकते हो।
और ये देखो सारे मोरेल वगैरह के सब कुछ है भाई यहाँ पे, मोरेल के डीडी, देखो डीडी आगे मोरेल रखा सारे हैं, ये देखो पता नहीं कौन सी ब्रांड है मोको, तो हर चीज़ अवेलेबल है। और सीट कवर्स भी भाई बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं, मस्त सीट कवर हैं। अपने लिवा में ना पहले लगवाए थे, दिल्ली चले गए तो भाई दिल्ली लगवा ली, तो इसलिए अगर भाई मैं यहाँ पे इसलिए वो कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काम करवाने आते हो ना, आप यहाँ पे पास में रहते हो, मान लो आप रोहतक रहते हो, रोहतक के किसी आसपास के विलेज में रहते हो, गांव में रहते हो, तो यहाँ पे आगे आराम से काम करवा सकते हो पास की पास। और भाई अगर कोई भाई दिल्ली नहीं जा सकता, इतना लंबा ड्राइव नहीं कर सकता, और उसको गाड़ी में काम करवाना है, तो यहाँ पे आके आराम से काम करवा सकते हो। भाई अभी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, मैं आपको ओनर से भी मिलवा देता हूँ, तो यहाँ पे अपने रवि भैया, तो आराम से आके कोई भी काम करवा सकते हो ना भैया, बढ़िया प्राइस रेट पे, किसी भी तरह का काम हो, कोई भी काम हो आप करवा सकते हो। गाड़ी के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन हो, लाइट वगैरह, सीट कवर, इंटीरियर, है ना, हर चीज, कोई भी काम, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, भैया के पास आराम से आओ, है, और जल्दी ही फोटोकॉम का डिस्ट्रीब्यूटर आ गई है, वो भी शुरू हो जाएगी, और अपनी ऐप भी है ना, ऐप भी बता दो, जून कार एसेसरी के नाम से है। तो भाई अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया, लाइट्स वगैरह का, फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, तो अभी ना भैया को बाय बाय कहने का टाइम आ गया, भैया अंदर गए हैं, तो चलो घर चलते हैं, शाम का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी आपके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे भैया, कोई भी काम हो तो, अरे कहाँ गए, शॉप खाली छोड़ के पता नहीं बाहर है कहाँ गए, चलो ठीक है रवि भैया, ओके बाय। ये देखो भाई ये इस गाड़ी पे काम चल रहा है, ये पुलिस की गाड़ी है, ऊपर वो है भाई, ये फ्लैशर है ऊपर, ये लगी हैं अंदर का रेक्जिन वगैरह, मैट का काम हुआ है, गाड़ी अच्छी, जो भी आप काम करवाओगे अच्छा काम करेंगे, तो चलो अभी घर चलते हैं। थोड़ी दिखूँ भाई, ये देखो जो विनय के जूते हैं ना, ये विनय चौंध गया कि भाई मैं पहन के तो रेड आया था, पर ये ब्लैक दिख रहे लाइट में, कैमरा जज नहीं कर पा रहा, हम भाई यहाँ पे सीन हो गए, मैं कह यार ये क्या हो गया, तेरे में दिखे, मेरी भी दिखे है तेरे, ये देखो भाई फ्लैश बंद कर, फ्लैश बंद कर, देख ये देखो भाई ये ब्लैक दिख रहे हैं, बिल्कुल दिखे ब्लैक, हाँ, और ये अब फ्लैश ऑन कर, ये देखो भाई ये लाल जूते ये लाल है, और अब ये फिर देख लो भाई ब्लैक आगे फिर ये इसका ब्लू ब्लू कलर में होगा मेरे ख्याल में, ब्लू ब्लू कलर में, और किसी कलर में, देख फ्लैश जला दी, अरे देख, और देख ये जो स्ट्रिप है ये दिखेगी रेड, गजब हो गया। गाइस मैंने को घर पे ड्रॉप कर दिया था, घर आके खाना खा लिया, मैं नहा लिया, पहले नहाया फिर खाना खाया, पापा अभी मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या ऑफिस का काम वगैरह कर रहे हैं, और भाई गाड़ी ना क्या बताऊँ भाई, एक नंबर लग रही है, एंड एवर फेल, फॉर्चुनर फेल, हैरियर फेल, अब राहुल भाई गाली मत देना मुझे भाई मजाक कर रहा हूँ, सारी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, एक नंबर मस्त, सारी गाड़ियाँ अपनी जगह अच्छी हैं, तो ये हैचबैक है, हैचबैक का अपना मजा है, जो मिनी एसयूवी है उसका अपना मजा है, जो हैरियर है अपना उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी उसका अपना मजा है, और जो एसयूवीज हैं अपनी फॉर्चुनर लेजेंडर और अपनी जो एंडेवर है उनका तो भाई मजा ही अलग है, तो पर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए ना हैचबैक की यार बहुत तगड़ी फील आती है, अगर आप मान लो बड़ी गाड़ी रखते हो ना, तो बड़ी गाड़ी रखते टाइम आपको अगर मान लो आप साफ़ सफाई करते हो, आपको आप एक कार गए हो, कार लवर हो, और आप उसको डेली सुबह सुबह साफ़ करते हो, तो भाई इतनी बड़ी कौन उसको साफ़ करे है, और अगर मान लो सिटी में लेके जानी है तो इतनी बड़ी कहाँ पे तो उसको टर्न करो, तो इसलिए घर में हाँ एक हैचबैक होनी चाहिए और एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी गाड़ी कुछ दिनों में आ जाएगी, हैचबैक अपने पास है ही, और तगड़ी मॉडिफाई करा दी है तुम्हारे भाई ने, तो अभी कुछ दिन की और बात है, और कुछ ना कुछ दोबारा चेंज होने वाला है गाड़ी के अंदर, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। और अभी ना मैं थोड़ा काम कर लूँ यार, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना, थोड़ा काम कर लूँ मैं, एक दो इंस्टाग्राम की रील है उसे एडिट कर लूँ, और इंस्टा पर ना यार फॉलो कर लो यार, जाके ऐसे मत करो, तुम भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, जल्दी जाके हैं तो तगड़ी तगड़ी रील्स आती है वहाँ पर, गाड़ियों के सिनेमेटिक्स, तुम्हारे भाई के फोटोज़ जाके देखो यार। मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई आज मैंने ना यहाँ पर रोहतक में काम करवा लिया, अगर किसी भी भाई को ना छोटा मोटा कोई भी काम हो वो आराम से करवा सकते हो भैया के पास, अपने रवि भैया के पास, और अपने कवल भैया तो हैं ही फ्रॉम दिल्ली करोलबाग, वो तो आपने वीडियो देखी होगी जिस भाई ने मेरी इंटीरियर की डिज़ाइन की पूरा जो सिस्टम वगैरह लगाया अपनी गाड़ी में, म्यूज़िक का और जो डैम्पिंग हुई है, जो कवर सीट वगैरह इंटीरियर हुआ है, वो सारा वीडियोस में पीछे दिख जाएगा वो कहाँ से हुआ है,
जाके देख सकते हो। और हाँ भाई, यहाँ पे भी जिस तरह काफ़ी सारे भाई हैं, अगर मान लो जिनको नंबर प्लेट करवानी है या फिर रैप करवाना, छोटा मोटा काम करवाना है, तो वो इतनी दूर नहीं जा सकते भाई, दिल्ली नहीं जा सकते, तो इसलिए आप रोहतक में पास से ही जो भी गाँव के भाई हैं आसपास के, वो यहाँ पे आराम से करवा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय बाय।